वी आर लाइव नाउ, वेलकम टू एएसके क्लासेस। कैसे हैं मेरे क्लास ट्वेल्थ के प्रिय स्टूडेंट और कैसा रहा आज का पेपर? सुनने में मिला है कि जिस पेपर को एएसके ने कवर किया था वही क्वेश्चन पेपर देखने को मिला है। अगर ये सच है तो वीडियो को लाइक करिए और इंग्लिश के लिए प्रिपेयर हो जाइए। फाइनली इंग्लिश में भी तबाही मचाएंगे, पेपर फाड़ेंगे, पूरा सेंटर हिलाएंगे, अपने स्कूल के टॉपर बन के निकलेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है और क्वेश्चन बैंक है ये सेशन 2023 का, मतलब एक साल पुराना है। नया क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसलिए जो पेपर बना रहे हैं वो पूरे के पूरे पुराने क्वेश्चन बैंक से बना रहे हैं। आपने दो पेपर का एनालिसिस किया, आपके फिजिक्स का था, इकोनॉमी का था, और आपने अभी हिंदी का पेपर देखा, और ये रहा इंग्लिश का। मतलब दो पेपर देखने के बाद हमने इस स्तर पे पहुंचा कि पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से बन रहा है। जब मैं आंसर फाइंड करता हूं ना तो क्वेश्चन बैंक ही उठाता हूं एंड पूरे आंसर्स मिलते भी हैं। इसी सिलसिले में अब मैं आपके सामने कक्षा 12वीं की इंग्लिश के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराने आ चुका हूं जो आपके कल के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से सभी प्रश्न को पढ़ लेना। थोड़ी देर बाद आपके अपने एएसके क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि हमें भी दिक्कत न रहे, हम भी सेफ रहें और आप तक सारे सारे क्वेश्चंस पहुंच जाएं। समझ गए ना जी? चलिए तो फिर फटाफट ओपन करते हैं। देखो ये रहा आपके सामने ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम जंप करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर ए, रीडिंग कंप्रेहेंशन। सबसे पहले थोड़ी हम पेपर साइड चलते हैं। देखिए हमारा पेपर पूछता है चार सेक्शन में, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सी एंड डी। यदि मैं सेक्शन नंबर ए की बात करूं तो हमेशा इसमें रीडिंग कंप्रेहेंशन पूछता है, मतलब पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो, बहुत ही सरल होता है, पढ़िए वहीं पे से उत्तर ढूंढिए और लिखिए। सेक्शन नंबर बी में राइटिंग स्किल्स, मतलब पढ़िए और लिख के दिखाइए, अपना कला प्रदर्शन कीजिए। सेक्शन नंबर सी में आपका ग्रामर कितना मजबूत है, ग्रामेटिकल पोर्शन 10 नंबर का प्रश्न वहां से। एंड सेक्शन नंबर डी में आपसे पूछेगा आपका किताब कितना मजबूत है, किताब बोले तो किताब के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर कितना ज्ञान रखते हैं, टोटल 39 मार्क्स का प्रश्न वहां से पूछता है। तो हम सबसे पहले सेक्शन नंबर ए कवर करेंगे, बी सी डी क्रमशः, ऐसे फिर वीडियो को एंड करेंगे और जाकर के क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। देखो भाई साहब, सेक्शन नंबर ए पैसेज में सबसे पहले आपको पहला पैसेज टिक कर लो, कॉन्ट्रैक्ट इज द मेजर केस ऑफ ब्लाइंडनेस। ये पैसेज तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, 200% सियोरिटी के साथ मिलेगा, इसलिए प्लीज टिक कर लीजिए। और ये रहे इसके क्वेश्चंस, एक पैसेज में 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और ये रहे इसके आगे क्वेश्चंस और ये रहे पूरे पूरे आंसर्स, अच्छे से पढ़ लेना पैसेज नंबर सेकंड। आगे ओपन करते हैं, एक और पैसेज मुझे बताया गया है, तो पैसेज क्या है जरा रुकना एक सेकंड। ये पैसेज है आपका गांधी जी से संबंधित, पैसेज नंबर 8 देखिए। ये पैसेज आपके स्कूल में देखने को मिलेगा, देख लीजिए, आप इसका चाहो तो फोटो क्लिक कर सकते हो, बाकी मैं तो कहता हूं पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक। ये रहा आपका एक पैसेज और यहां से क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, गॉट इट? तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, चलिए पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे देख लो, ये रहे इसके आंसर्स भाई, एक पैसेज के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसके 10 अलग अलग आंसर, ये है आंसर, ठीक। तो इस प्रकार से दो पैसेज में से एक पैसेज तुम्हारे परीक्षा में आ रहा है, अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं नोट मेकिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट ऑन देम, ऑल्सो गिवन ए सुटेबल टाइटल और टू देम। मतलब अब आपको नोट्स कैसे लिखना है, देखो नोट्स से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले देखो सेकंड नंबर वुमेन एजुकेशन वाला प्रश्न तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा, 200% सियोरिटी के साथ मिलेगा, इसलिए इसी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये देखिए इसके आंसर्स यहां पर मेंशन है, ठीक। ये आगे देखते हैं थर्ड नंबर लाइफ वाला, तो ये रहा, प्लीज आप इसका ही फोटो क्लिक कर सकते हैं, एंड ये रहा आंसर। अब देखो एक चीज ध्यान से, यहाँ पे जो आंसर लिखने का तरीका है बहुत ही गंदे तरीके से लिखी है भाई, इनका क्या जाता है इस पेपर, इनको बनाने वाले को, इनको तो पैसा कमाना है ना, तो ऐसे आंसर लिख करके मत चले आना। आंसर कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कम लिखें बिना पढ़े जाएं, लेकिन बेहतर आंसर राइटिंग करके अच्छे नंबर कैसे लाएं, यदि इसका वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर आप मुझे बता दीजिए,
अगर आप यस सर लिखेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, यस सर लिखे दो तो मैं वो वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि मैं 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए लेकर के आया था, उन्हें बहुत फायदा मिला है, ठीक है। यदि आप यस सर बोलेंगे तो डेफिनेटली वो वीडियो आएगा, थोड़ी देर लग जाएगा क्योंकि मुझे भी कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आएगा, बहुत फायदा मिलेगा और यकीन मानो बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी लेकर के आओगे। आगे बढ़ते हैं अब सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी के सभी क्वेश्चन को टिक कर लो जिसमें राइटिंग स्किल है। सबसे पहले कुछ पोस्टर्स बनाने रहेंगे, तो आप देख लो आपका ड्रग्स से संबंधित पोस्टर। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपके यहाँ पर भोपाल पुलिस मतलब बम ब्लास्ट से संबंधित पोस्टर, ये रहा, ठीक है। चलिए पेज पलटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे यहां से बाकी कुछ नहीं आ रहा, स्किप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट स्लैश पैराग्राफ स्लैश आर्टिकल राइटिंग, मतलब रिपोर्ट पूछे, पैराग्राफ पूछे, आर्टिकल पूछे या फिर पूछे एसे, लगभग लगभग सेम है, ठीक है। तो रिपोर्ट पैराग्राफ एसे आर्टिकल कुछ भी दे, लगभग लोग सेम है, तो एनएसएस के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये एक रिपोर्ट है, ठीक। इसे ये कुछ पॉइंट रहेंगे, यहां पर पॉइंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से देख लो, यहां पर पॉइंट चेंज होंगे लेकिन आंसर लिखना आपको यही है, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक और प्रश्न जो तुम्हारे पेपर में देखने के लिए है, ये है 3 नंबर। देखिए यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, इन डिटेल्स को यूज करके, और न्यूज़पेपर वाले को गवाह बनना है, देना है उसे गवाही, ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके आगे का देख लो, ये रहा पूरा का पूरा, ये रहा, ठीक, यहां तक कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहां से इतना ही पूछ जाएगा, कोई मतलब नहीं टाइम पास करने से, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एशे में कौन सा आएगा, एशे में आपको रेडी करना है बंडर ऑफ साइंस, इसमें है क्या, नहीं है, बंडर ऑफ साइंस रेडी कर लेना, बंडर ऑफ साइंस आ रहा है तुम्हारे पेपर में, क्योंकि 9th में आया, 10th में आया है, और 11th और 12th में बंडर ऑफ साइंस ही देखने को मिलेगा, इसलिए बंडर ऑफ साइंस ही रेडी करना, ठीक। आगे बढ़ते हैं लेटर राइटिंग में, लेटर में कौन कौन सा रहा है इसे ध्यान से सुन लो। ये राइट टू लेटर दो प्रदीप, डिस्क्राइब द अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ द कमिंग, नहीं कोई मतलब नहीं, ये नहीं पूछा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लेटर में ये वाला 5वां नंबर, देखिए 5वां नंबर आपके पेपर में आएगा, ठीक है, इसे अच्छे से टिक कर लो, एंड ये रहा इसका आंसर, ठीक, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, ये फॉर्मल लेटर का बी नंबर, ये आपके पेपर में आएगा, ठीक। एक इनफॉर्मल आता है, एक आता है फॉर्मल हमेशा, तो ये रहा इनफॉर्मल का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सी नंबर, इसके 2-3 टिक कर रहे हैं भाई, ठीक। ये देखो ये आ रहा है आपके पेपर में, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए पेज पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, बस ये वाला देख लो, डी नंबर, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब टीसी के ऊपर, ये तो आपसे बनता ही होगा यार, कक्षा 9वीं पढ़े होगे ये, बाकी आपके एग्जाम में आएंगे तो ये दोनों में से एक आएगा, ठीक, बट उसे भी देख लेना एक नजर। चलिए वो भी हमारा कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी, यहाँ पे सी होना चाहिए, इन्होंने गलती से बी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन नंबर सी ग्रामेटिकल पोर्शन, यहां से क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन में देखो सबसे पहले डिटर्मिनर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यहां पर टिक ऑलरेडी किया गया है, जो टिक आपको इस पेन से मिले, ये कौन सा बैगनी पेन है, बैगनी पेन से मिले और पेंसिल से, उसे टिक कर लो फटाफट, वही आ रहा तुम्हारे पेपर में, ठीक है। चलिए देखो कुछ पहले टिक करवा दिया गया था लेकिन कुछ बाद में टिक किया था इसलिए ऐसा है, ठीक। तो ये रो आगे बढ़ते हैं, ये रहे आगे के क्वेश्चंस, ये रहे आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये रहा, ठीक है। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये रहे, अच्छा आंसर्स भी ध्यान से देखते जाना, ठीक है सबके, ये रहे नेक्स्ट, इनका स्क्रीनशॉट लो, इनका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये रहा कंप्लीट। अब देखते हैं डू आज डायरेक्टेड में से कौन कौन से पूछेंगे, वो अभी टिक नहीं करवाया गया है, तो डू आज डायरेक्टेड के लिए जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो में जिसमें कवर करेंगे, अभी टिक नहीं हुआ है तो अभी से गलत क्वेश्चन आंसर क्या बताना, ठीक है, तो अभी नहीं है तो जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो में जिसमें आगे क्वेश्चन को टिक हो जाएगा तो आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है, उसका पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपको टेलीग्राम में भेज दिया हूं, जाइए जाकर के उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। उस पेपर के फुल सोल्यूशन का वीडियो आपको जल्द ही एएसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा,
लेकिन सबसे पहले जाइए उस पेपर को डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हिंदी का पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, तो हमें भी पता चलेगा यार, मतलब खुश तो हो ना आप एएसके से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ, जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट में जिसमें आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके बाय बाय।